बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जिन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार ही दो दो बार धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, और इसी शर्म के कारण वो कल दिल्ली में आयोजित G20 पर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसमें शामिल नहीं हुए। उनको हिम्मत नहीं कि वो प्रधानमंत्री जी से आखिर कर सके, उनसे नज़रें मिलाकर बात कर सके। आखिर वही नहीं, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह वो भी उस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। राष्ट्रीय जनता दल का भी कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी नज़रें चुरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया। तो क्या मुख्यमंत्री जी अब आप प्रोटोकॉल के तहत अगर प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा होगा, आप एयरपोर्ट पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ये भी बताएं कि G20 को लेकर पूरे देश में 200 से ज़्यादा कार्यक्रम होने वाले हैं, इसमें बिहार के अंदर भी मार्च माह में कार्यक्रम होने वाला है। उस कार्यक्रम में शरीक होंगे कि नहीं होंगे, उस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, या उसका भी बहिष्कार करेंगे? इस प्रकार की राजनीति का बिहार को नुकसान होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूँगा, ठीक आपने धोखा दिया, आपको शर्म आती होगी, आप नजरें चुरा रहे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अगर कोई सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, कोई मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाते हैं, तो आपको उसमें अवश्य जाना चाहिए था। यहाँ तक कि श्री अरविंद केजरीवाल, श्री स्टालिन, श्रीमती ममता बनर्जी, जो नरेंद्र मोदी जी के धुर विरोधी हैं, ये लोग भी बैठक में शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार और ललन सिंह की हिम्मत नहीं हुई कि वो G20 के लिए आयोजित बैठक में भाग ले सकें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।